नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। मेरे सहयोगी सुमित जी मेरे साथ हैं और आज हम खड़े हैं बैंक्वेट हॉल पे, जहाँ पे पश्चिम बंग मारवाड़ी प्रादेशिक सम्मेलन हो रहा है, जहाँ पे शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह है। तो आइए इस तमाम चीज़ों को हम विस्तार से जानने के लिए देखते हैं, अंदर प्रवेश करके। तो जुड़े रहें हमारे साथ, आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। दुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक निया मूर्ति नदी लाटागुड़ी। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन शपथ ग्रहण एवं अभिनंदन समारोह नए अध्यक्ष डॉक्टर आर के अग्रवाल और सचिव अरुण कंदोई जी को बनाया गया। इसके मूल उद्देश्य मारो लक्ष्य राष्ट्र की प्रगति है। यह संस्था देश के स्वाधीनता के पूर्व से है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अब तक के किए गए कार्यों में विधवा विवाह, पर्दा प्रथा और साक्षरता मिशन जैसे इत्यादि कार्य कर चुकी है यह संस्था। प्रांत अध्यक्ष श्री नंद किशोर अग्रवाल जी का कहना है, आज की नई पीढ़ियों में अधिक दूरियां को कम करना, विवाहिक कार्यक्रमों में मद्यपान को रोकना, गृहस्थ जीवन में तलाक को न होने देना, टूटते परिवार बिखरते रिश्ते को संजोना, उसे न टूटने देना और साथ ही साथ बहन बेटियों को विवाहिक कार्यक्रमों में सड़कों पर नृत्य करने से मना करना और साथ आपसी एकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, प्रेम से आपसी सशक्तता और देश हमारी उन्नति के पथ पे जाएगी और एक दूजे को मदद करते हुए समाज को और आगे की ओर शिखर के बुलंदियों पे हम ले के जा सकते हैं। आइए इसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट को देखें और चीज़ों को विस्तार से समझें। स्वागत है। तो आज के कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए बताइए संक्षेप में। नमस्कार, मैं शिव कुमार लोहिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन। आज मैं यहाँ पर पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की सिलीगुड़ी शाखा का शपथ ग्रहण समारोह है और यहाँ के सदस्य काफ़ी उत्साही हैं और इन्होंने सेवा कार्य में हमेशा अग्रगति दिखाई है और आज हमारे इस कार्यक्रम में सिलीगुड़ी शाखा के नए अध्यक्ष उनकी टीम आज शपथ ग्रहण लेगी। मैं अपनी शुभकामनाएँ देने और इस खुशी के माहौल में शामिल होने के लिए आज यहाँ आया हूँ। मैं ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन ये प्रवासी मारवाड़ियों की देश में एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और भी वर्तमान में 24 प्रांतों में 32,500-33,000 सदस्यों के साथ 400 शाखाओं के में काम कर रही है और हमारा मुख्य उद्देश्य है समाज सुधार, संस्कार संस्कृति, राजनीतिक चेतना, समरसता, इन सब विषयों पर हम काम करते हैं। मैं पश्चिम बंग मारवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष हूं और नंद किशोर अग्रवाल नाम है और मैं कलकत्ते में सचिव महोदय अरुण कंदोई जी हैं, इसके अलावा नई नई कमेटी और सब जुड़े हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे सिलीगुड़ी शाखा एक स्तंभ के तरह नॉर्थ बंगाल में एक सबसे सुदृढ़ शाखा है और इस शाखा के माध्यम से हम सब समाज हमारा छितर बितर हो गया है। हर दृष्टिकोण से हमारा समाज पैसा में, बिजनेस में, सेवा में इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन एक भाईचारा और एकता ये हमारी कमी हो गई है क्योंकि हमारे आने वाले पीढ़ी में संस्कार, संस्कृति, चेतना ये सारे बहुत कमी होते जा रही है, जिनसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपमानित होते जा रहे हैं और बच्चे अलग चलते हैं, बड़े बुजुर्ग कम उनके साथ में उनका समय कम बीतता है। तो हम लोग इस चीज़ को चेष्टा कर रहे हैं कि कितना से कितना हो नए दोनों पीढ़ी को हम लोग साथ में जोड़ें और वो संस्कार जो है
हमारी भाषा जो है मारवाड़ी भाषा, वो हमारे आने वाला पीढ़ी जरूर बोलना सीखे, और जिससे कि हम लोग चले जाएं तो आने वाला पीढ़ी में ये सोचे कि हम लोग मारवाड़ी हैं। नमस्कार, मैं अरुण कंदोई, पश्चिम बंगाल प्रांतीय प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का सचिव पद की जिम्मेवारी मैं 2019 से चला रहा हूँ। इस साल मेरा टेनियर ख़त्म हो गया था, अभी फिर से मेरे को सचिव पद की जिम्मेवारी दी गई है। अध्यक्ष विष्णु जी केडिया थे अब तक, और अभी डॉक्टर आर के अग्रवाल के नेतृत्व में हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार जी लोहिया ने हमें बताया, और हम इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब मारवाड़ी समाज क्या होता है उसको आगे लेके जाएंगे। हमारा ये प्रण है इस साल हम लोग कुछ काम कर सकेंगे। पहले बीच में कोरोना की वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे, अब हमारा मारवाड़ी सम्मेलन है। मैं समाज के और भी साथियों से, मेरे भाई बंधुओं से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भी कुछ अभी हिंदी में नहीं बोल के मारवाड़ी में बोलूँगा। सबाना राम राम, और आगे आप मारवाड़ी भाषा को प्रचलन करा, सब घर में आप घर में मारवाड़ी की भाषा बात करा, मारवाड़ी संस्कृति अपनी बच्ची रहे, आप संस्कार ने भूल जावा और मारवाड़ी भाषा ना आप भूल रहा। तो मेरे सबसे रिक्वेस्ट है आपने कम से कम घर में मारवाड़ी भाषा को प्रयोग करा, सभी से यो मेरो अनुरोध है। और आगे ने आप कई जना के गिनती भी भूल गया, 65 बोलना में आजकल का बच्चा लोग ने पता ही को नहीं 65 के हुआ है, 35 के हुआ है, 37 के हुआ है, मेरे को नहीं। तो यह सब की जानकारी मेरा संलग्न जो भी है, बिना सब मैं रिक्वेस्ट करूँ अपने मारवाड़ी भाषा को आप प्रयोग करा, और समाज से जितनी भी कुरीतियाँ हैं कुरीतियाँ आप दूर कौन कर सका, लेकिन प्रयास कर सका। जे राम सेतु बंधन में गिलहरी को जो काम हुए, तो वो काम भी आप कर सका, आप थोड़ो बहुत जागरूकता पैदा कर सका। जब जागरूकता पैदा करेंगे धीरे 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 समाज में सुधार होगा। तो मेरी यही विश्वास है आप कुरीतियाँ ना थोड़ी दूर करा, वृक्षारोपण पर्जारोपण के ऊपर में भी आप थोड़ा सा ध्यान देवा, ग्लोबली वार्मिंग हो रही है तो बिंग पर भी ध्यान देवा, वृक्षारोपण करा, ये सब संस्कृति है। और आगे ने अभी कई रकम का संस्कार आओगा, कई रकम की और विचारधारा होगी बिंग सागर फिर, और जहाँ जहाँ आपने समय व्यतीत होगा। भैया मैं लोग ज़्यादा नहीं बोलता हुआ, मैं मेरे वक्तव्य यहाँ ग्लोबली न्यूज का पंकज जी जो हमारा सागर कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है, ग्लोबली न्यूज हमारा हर काम है। मारवाड़ी सेवा परिवार बोल लो, पश्चिम बंगाल प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन बोल लो, मारवाड़ी सेवा मंच बोल लो, मारवाड़ी युवा मंच बोल लो, बे हमारा सारा प्रोग्राम ने इतनी दिल से कवरेज करा है। बिंग के लिए मैं ग्लोबली न्यूज को, पंकज जी को विशेष विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलकार रोड सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। आज के कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे। आज सिलीगुड़ी सिद्धि विनायक बैंक्वेट हॉल में हमारे पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का इंस्टॉलेशन शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं कुछ बातों को आप सबों को बताना चाह रहा हूँ कि इस सम्मेलन का, पश्चिम बंगाल सम्मेलन 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। ये स्थापना इसलिए की गई कि उस टाइम में हम मारवाड़ी समाज, उस समय में अंग्रेजों का राज था, और मारवाड़ी समाज का कहीं पर कोई अस्तित्व जो है वो नहीं था, ना हमारे भारत में रह कर भी हमारा कोई अधिकार नहीं था। इसलिए इस सम्मेलन की स्थापना की गई, और इसके द्वारा हम लोग धीरे धीरे
पूरे पश्चिम बंगाल में एक मजबूत की दिशा में हम लोग जाते रहे। इस माध्यम से सबसे पहले विधवा विवाह जो है वो रोका गया, उसके बाद पढ़ाई जो है, हम बच्चियों की पढ़ाई जो है, लड़कियों की पढ़ाई, वो बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में ही जो है उनको पढ़ाई नहीं दी जाती और उनके पर्दा पटा और उनके शादी कर दी जाती थी। तो इस प्रकार से अगर हमारे लड़कियां अगर पढ़ाई लिखाई में नहीं आगे बढ़ेगी तो कभी भी हमारा समाज वो मजबूत की दिशा में नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमारा इस सम्मेलन के माध्यम से धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में ये सम्मेलन मजबूत होते गया और इस सम्मेलन के माध्यम से ये जो कुप्रथा था इस कुप्रथा को हम लोग तोड़ सके और हमारे समाज का विकास जो है वो इसी सम्मेलन के द्वारा होता गया। ये हुआ फर्स्ट राष्ट्रीय में एक कहावत है, उद्देश्य है मारो राष्ट्र, लक्ष्य है राष्ट्र की प्रगति, ये हम लोगों का मेन है। उसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग, हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति हम लोग कार्य करते हैं, एक दूसरे को सहायता के दृष्टिकोण से हम लोग कार्य कर रहे हैं। कहीं किसी को समाज में कोई तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को हम लोग मिल कर तो अभी हम लोगों का जो नया जो आने के बाद कुछ एक बातों को मैं जब से 17 दिसंबर हमारे कई अध्यक्ष आते रहे, अपना कार्य करते रहे, लेकिन मैं नंदकिशोर अग्रवाल 17 जुलाई 2017 को हमने शपथ ली थी और 2.5 साल हमने अपने कार्यकाल में पूरे पश्चिम बंगाल में हमने 16 ब्रांच के द्वारा पूरे पश्चिम बंगाल को जोड़ा, समाज को जोड़े और जो हमारा उद्देश्य था वो हम लोग पूरा करते रहे। और आज हम लोग इतने सुदृढ़ नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं जो मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि सामाजिक रूढ़ियां एवं कुरीतियों के उन्मूलन के तहत विवाह समारोह में मद्यपान, बारात में परिवार की महिलाओं द्वारा सड़कों पर नित बढ़ते तलाक, घटता बुजुर्गों का सम्मान, टूटते परिवार, दिखावा, आडंबर जैसी अनेक सामाजिक बुराइयां एवं ज्वलन समस्याओं पर विचार गोष्ठियों के माध्यम से समाज में जागृति लाने का हमने प्रयास किया और इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जल्द से जल्द हम लोग ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमारे समाज में जो भी कमजोरियां हैं वो हम लोग इसको दूर करें। और सबसे दूसरा, समाज में एक चेतना जो है वो जगाना होगा कि हम हमेशा मिल करके समाज को मजबूत करके इस पश्चिम बंगाल में, पूरे भारतवर्ष में हम लोग आपसी भाईचारा को इतना बढ़ावें, हम लोग आपसी सहयोग के द्वारा इतना आगे बढ़ावें जिससे हमारे बंगाल में ये सशक्त मारवाड़ी समाज बने, उभर कर आवे, हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उस पीढ़ियों में आने वाला जो है वो इतना मजबूत हो कि कभी भी कोई भी तरह का बाहरी ताकत हमारे समाज को, बच्चों को रोक नहीं सके। हम लोग अभी एक और ले रखे हैं कि हमारे बच्चियों को जो पढ़ाई बहुत अच्छी है, पढ़ाई करने में पैसे के अभाव में या पढ़ाई नहीं कर पा रही है, तो हम लोगों ने बहुत सारा फंड जमा कर रखे दान। आज के दिन में अभी पश्चिम बंग मारवाड़ी सम्मेलन का मैं अध्यक्ष हूँ, इनकी पश्चिम बंगाल मारवाड़ी सम्मेलन का हेड ऑफिस कलकत्ता में है। कलकत्ता में हमारे कार्यकारिणी है, हमारे सभी सदस्य हैं, उनके द्वारा हम पूरे जितने ब्रांच हैं हमारे प्रांत में, उस प्रांत में हम लोग जा जा करके जो भी यहाँ कमियाँ होती है हम लोग उसको कार्य करते हैं।
मेरा नाम नंद किशोर अग्रवाल। कुमार जलान, मैं इस ऑल इंडिया मारवाड़ी फेडरेशन जो इनकी पेरेंट बॉडी हूँ उनका मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, और ये बहुत खुशी का विषय है कि आज हमारे बीच हमारे नेशनल प्रेसिडेंट श्री शिव कुमार जी लोहिया एवं हमारे नेशनल सेक्रेटरी श्री कैलाशपति जी टोडी भी हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आज उनकी बातें सुनकर हमारे जितने भी यहाँ सदस्य हैं, यहाँ हमारी एकल मेंबरशिप है, वो और जागरूक होंगे और हम समाज का काम और आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। आप अपना परिचय देते हुए। मैं विश्वनाथ भुवालका, मैं पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का उपाध्यक्ष हूँ। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने पूरी बातें विस्तार में बताई है। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी हम लोग अपने संस्था को ऊंचाई पे ले जाएं और सामाजिक कार्य करते रहें, जिसमें कई रकम के कार्य हम लोग करते हैं, जिसका परिचय उन्होंने हमारे अध्यक्ष महोदय ने दिया है। हम लोग उसी में लगे हुए हैं कि किस प्रकार हमारे सम्मेलन की बढ़ावा हो, हमारे मेंबरशिप बढ़े और हमारी गतिविधियाँ बढ़े, सामाजिक कार्य बढ़े, यही मेरे को कहना है। धन्यवाद। उन्हें शिक्षा दे सकें, उन्हें आगे बढ़ा सकें। नौकरी अगर करनी है तो नौकरी हम लोगों ने काफ़ी को दिया है, हम लोग नौकरी और अपने पांव पर खड़ा करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। इसके अलावा बहुत सखी कहेंगे, हमारा समाज और सुदृढ़ होना और व्यापार जगत में हम जितना हैं उससे भी ज़्यादा एक व्यापार जोन हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर लिया है। उस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो व्यापार करना चाहते हैं उसको हम लोग इस सम्मेलन के द्वारा किस प्रकार से सहायता करें, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ावें, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो और मेघावी छात्र जो आगे लड़के हाई एजुकेशन करना चाहते हैं, उसमें हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन हमारा जो पेरेंट बॉडी है वो 2 लाख रुपया पर साल वो 4 साल तक हम लोग 8 लाख रुपया हमारे अखिल भारतीय के द्वारा दिया जाता है, जिससे वो अपने हाई एजुकेशन करके वो इतना कमा ले कि जिससे उनके पिता माता बच्चे भाई सब जो हैं उसमें लालन पालन हो। हम लोग को एक शर्त है उनको पैसा देने का कि जब नौकरी मिल जाए तो वो 10% 20% वो हमारे सम्मेलन में आने वाले छात्र के लिए वो जो रुपया लिए थे वो जमा करवा दें। तो इस प्रकार से अभी तक 300 हाई एजुकेशन के लिए दिया जा चुका है, करीब 2.5 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया है। तो ये जो है हम लोगों ने कार्य किए हैं। इसके अलावा हम लोगों का समाज में हम लोगों के यहाँ पर कोई सुरक्षा बोलकर नहीं है, हमारे सब कुछ करते हैं लेकिन हमारी ताकत जो है समाज का नहीं है, उसे बढ़ाने के लिए हमें जागृत करना होगा और हम इस समाज को कैसे आगे बढ़ावे, मान सम्मान के साथ आगे बच्चे पढ़े हम लोग रहें, यही हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा हम आप सभी हमारे सब सम्मेलन के कार्यकर्ता आप लोग सब मिल करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस सम्मेलन से जुड़ें, जिससे कि हमारा ताकत बढ़ता रहे और हमारा जो ब्रांच है वो इतना मजबूत हो कि प्रांत ऑटोमेटिक हमारे जो हैं वो मजबूत की दिशा में जा करके सेवा हम लोग कर सकते हैं।